शेर सुना रहा है हमको। फिलहाल तो मम्मी इमोशनल हो गई है थोड़ी सी। दादी कुछ कुछ बीवियां खून चूस लेती हैं आदमियों का, ऐसा होता है कि शादी करके सब सही हो जाता है। अपने बच्चों को करियर ओरिएंटेड होना सिखाइए, क्योंकि बेड़ूपा को हमने आपको मदर्स डे का भी कुछ नहीं दिया। अरे आपको सब लोग देखते हैं भाई, 6 महीना एक आप रख लेना, 6 महीना एक मैं रख लूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज दिन में आपको देखने में कुछ अंतर नजर आ रहा होगा क्योंकि दाढ़ी वाड़ी सब बनवा दी है। दो दिन से यार ऐसा हो रहा था ना कि बहुत कम कम शूट हो रहा था, पता नहीं यार मन का असमंजस में, जैसे कि बताया। फिलहाल आज एक बहुत जबरदस्त चीज़ होने वाली, कल था मदर्स डे और उससे पहले यानी 6 तारीख को था मम्मी का बर्थडे। ऐसा कुछ वो तो दे नहीं पाए, क्या बोलते, कोई गिफ्ट। आज गिफ्ट हम लेकर आए और मम्मी को दे देंगे। फिलहाल बुलाते हैं, तो खाना बना रही हैं, बाकी हम लोग बैठते हैं, थोड़ा दिखाते हैं हमको क्या कुछ होने वाला है। स्टे ट्यून ऑन दी चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बार बार बताने वाली चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी याद दिलाना जरूरी है ना। बेड़ूपा को बारमासा, बारमासे को बोलते हैं बारमेना। बेड़ूपा को बारमेना, नरेंद्र का फूफा को शेष मेना। हमारे एक फोक सॉन्ग है जिसे बोला जा सकता है पहाड़ियों में, गढ़वालियों में। तो अब दादी गलत प्रोनाउंस करने लगती, नरेंद्र हमारे यहाँ रहने वाले अंकल है, उनका नाम है नरेंद्र। नारायणा होता नारायणा भाई। अपने को भाई करा रहा। अरे आपको सब लोग देखते हैं भाई, अपने को क्या क्या खाना खाया आज? आज रोटी सही है, बहू सही बना रही खाना है, बहू सही बना रही है खाना ऊपर है। अरे बहू सही बना रही है खाना, हमेशा तो खाते हैं। तनख्वाह ना काटी जाए इनकी है। अच्छा बना था, इसने खराब बताया। दादी मुझे दिए ही कहाँ है, मुझसे कहते हैं लो पहले काम करो तब खाना खाओ। रात में थोड़ी कह जाऊंगा काम, दिन में रात में हर समय कहते हैं। मैं बताओ क्या क्यों नहीं अभी रात है अभी। हाँ कह रहा काम करो फिर खाना खाओ। क्या काम करो जो मैं नहीं, बाहर जाओ बाहर का काम करो पहले। अच्छा रात काम धंधा सारा निपटाओ उसके बाद खाना खाओ। क्या किया नहीं उल्टा जमाना है क्या करूँ दादी, ब्याह करो जल्दी, शादी करा दो। हाँ शादी ब्याह कर दो। दादी का हर चीज़ का उपाय यही है कि शादी कर लो तुम, ऐसा होता है कि शादी करके सब सही हो जाता है। और क्या, आफत दुनिया इनको लेके आफत हो जाती है, आफत दादी जगह जगह घुमाना उसको, टखनों घुमाना। मैं भी लग जाऊंगी पीछे। दादी कुछ कुछ बीवियाँ खून चूस लेती हैं आदमियों का, कुछ बीवियाँ आदमियों को खून चूस लेती हैं। किसे सुना रहा है हमको। आप खून चूसती थी क्या है? आप खून चूस लेती थी क्या? आपकी बहू है दादी, बहू है दादी, आपकी बहू है, आपके लड़कों को खून चूसा है इन लोगों ने, बस कुछ नहीं किया शादी आदि के बाद। देखो आप उल्टी बात नहीं करे, किसी ने कुछ नहीं चूसा। सब गलत कह रहे। नो यस नहीं नो। अच्छा अच्छा कहा करो, अच्छा अच्छा तब अच्छा ही होता है। सही बात है, तो अच्छी जगह से शादी होगी, अच्छी बहू आई। अच्छा और क्या, दो बहू ला सकते हैं क्या? दो क्यों, दो तो एक कुछ क्या है ये तेरी? नहीं एक की दो, एक की दो ना, 6 महीना एक आप रख लेना, 6 महीना एक मैं रख लूँगा, फिर बदल लेंगे, 6 महीना एक आप रख लेना, 6 महीना एक मैं रख लूँगा। सही है, मैं तो सभी दिन रखूँगी, 6 महीना क्या, दोनों को दो बोल आएगा कुंडली में लिखा है सब। उस पर गणेश क्यों आ जाएगी? लॉजिकल बात बोलती ना दी, मैं हल्की मत लेना, एक ही चीज रहती है। चल दो नहीं ठीक है, दादी कॉन्शियस हो जाती कभी कभार, ऐसा लगता है इन्हें, ये लगता है कि पॉइंटलेस है ऐसे बात करना। तो आपसे अगर बात हो रही होती तो इन्हें लगता है क्या पॉइंटलेस चीज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे मेरी शक्ल दिखा रहा है, ऐसा बोलती है दादी हमेशा। है नहीं दादी? दो दादी का नहीं किसने कहा।
चलो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी दादी के साथ बहुत सारी मौज मस्ती करी है, वो देख लेना और उसके बाद जा रहा हूँ। फिलहाल मैं सीधा गैस करना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर बताओ। जा रहा हूँ मैं सिबू के पेट बाहर। कुछ नहीं भाई, खाली हवा भरी है उसमें। क्या वही कलर तो है? हमने आपको मदर्स डे का भी कुछ नहीं दिया और बर्थडे का भी कुछ नहीं दिया, इसे तो छोड़ो। यार पूरी प्लॉटिंग ही खराब है भाई। सोचो मैं प्रपोजल कर रहा होता मैं किसी लड़की को तो कैसा होता? मेरी दाल। आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? अरे आंखें तो बंद करो, खोलना मत यार, प्लीज खोलना मत, फिर खराब हो जाएगा, नहीं तो पूरा सिस्टम। नहीं नहीं तभी देख लेना। ये लो हैप्पी बर्थडे और हैप्पी मदर्स डे। खोल तो लो, अब तो पता ही लग गया। छोटा छोटा गिफ्ट, छोटा गिफ्ट हम पे लुटाओ। अपनी क्या भलाइयां दे रही हो उससे? अब इसे लेकिन पोलाइटली खर्च करना अपने हिसाब से, देख लेना, अभी बता नहीं सकते। इस पे खुश हो? नहीं देते तब भी खुश थी। नहीं कोई बात नहीं, फिर भी जरूरी है। हाँ सही है, मतलब ऐसे ही दिन निकलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल सही है, प्राउड मोमेंट भी होता है ऐसे समय पे तो। और बाकी तो क्या ही यार, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। मुझे तो हर बार ये चीज़ लगती है देखने में कि यार कुछ कमी रह गई है, मतलब कुछ और हो सकता है, और हो सकता है, तो कुछ और की तलाश में अभी तो कुछ नया चालू किया ही है। फिलहाल देखते हैं कैसा कुछ जाता है, होपफुली काफ़ी अच्छा ही जाएगा। जैसा कि मतलब क्या ही बताऊँ, कई सारी चीज़ें वो भी कवर अप करनी है और कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बोला जाए, या फिर करियर को लेकर के फोकस होना बोला जाए, या फिर कोई और चीज़ बोली जाए, उन सबको भी साइड बाय साइड लेकर चलना है साथ ही। तो मैं तो चल ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से भी मेरी ये एक गुजारिश ही समझ लो, या फिर एक थॉट समझ लो जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ इस बारे में, कि एटलीस्ट जो लड़के लड़कियाँ मुझे देखते हैं थोड़े बहुत भी, या उनके पेरेंट्स देखते हैं, अपने बच्चों को करियर ओरिएंटेड होना सिखाइए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है लाइफ में, सारी मस्ती मौज बेकार है। आप कॉलेज में जो बंक कर रहे हो, क्लासेस जो छोड़ रहे हो, जाते हुए कॉलेजेस नहीं पढ़ाई कर रहे हो, या तो अपना पैशन चुन लो बहुत अच्छे तरीके से, उसके पीछे लग जाओ जैसा कि मैंने किया, या दूसरी चीज़ आप कॉलेज या किसी भी चीज़ में अगर आप घुस चुके हो तो उसमें घुस ही जाओ यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वही चीज़ें करनी है, और उसकी वजह से अगर आप इस चीज़ को मिस आउट करते हो ना लाइफ में तो उसका कोई मज़ा नहीं आता। तो स्टे फोकस्ड और बहुत अच्छे से रहो। फिलहाल तो मम्मी इमोशनल हो गई, थोड़ी सी हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते, रोती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, तो फिर बाद में दिखाते जैसा कुछ होता है।